हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान की सांसें बंद है तो चीन हैरान है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला है भारत में राफेल। राफेल कुछ ही घंटों में भारत आने वाला है और भारत के अम्बाला एयरबेस पे लैंड करेगा। इसके लिए पूरे अम्बाला कैंटोनमेंट एरिया को रेड अलर्ट पर कर दिया गया है। उसे पूरी तरह से ड्रोन फ्री जोन घोषित कर दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी ड्रोन उस एरिया में नहीं उड़ सकता जब तक राफेल की वहाँ लैंडिंग नहीं हो जाती। तो पाकिस्तान और चीन दोनों पर एक साथ प्रहार करने में सक्षम राफेल अब भारत की ताकत बनने वाला है। भारत को फ्रांस से मिलने वाले इन राफेल्स में सबसे एडवांस वर्जन की एयर टू एयर और एयर टू लैंड मिसाइल्स लगाई गई हैं ताकि ये चीन के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का जवाब दे सकने में सक्षम हो। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है राफेल की मारक क्षमता। जी हाँ दोस्तों, राफेल की मारक क्षमता जो है वो 3500 किलोमीटर तक है। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार पूरी तरह से डर के सदमे में जी रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने तो भारत के राफेल की बदनामी करना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जब भारतीय फजाइया ने राफेल तैयारा सिलेक्ट भी कर लिया और अपनी फोर्स में इंडक्ट भी कर लिया, इस मूव का पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या असर होगा? बैकग्राउंड भी हमें पता है, F-16 लाने वाले आप थे, उसके बाद जो GF-17 है एस चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आप, उसको सर्व किया। तो राफेल के आने से पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? बात यह है कि GF-17 की जो बैकग्राउंड है, जब हमने GF-17 शुरू किया था 90 की दहाई में उसके दरमियान में, तो उससे कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी जुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस तैयारी की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा, और हमारे साथ जो चीनी हमारे दोस्त शामिल थे उनको मैं बताता रहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट में उस तैयारे से पहले आएं ताकि हमारे तैयारे को मकबूलियत हासिल हो और भारत जो तैयारा इतने अरसे से बना रहा है वो हमसे आगे ना चला जाए। और हमने माशाल्लाह वो तैयारा बड़ी तेजी के साथ उसको आगे बढ़ाया और भारत उसमें नाकाम हो गया। आगे तो क्या जाना था, वो बिल्कुल नाकाम हो गया और हद ये हो गई कि उसकी अपनी एयरफोर्स ने वो तैयारा खरीदने से इनकार कर दिया। लिहाजा वो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको वो तैयारा कभी भी ज्वाइन ना कर सका। ये है जमीनी हकायक। इस वजह से जो भारत के जहाज हैं उसके उसके फ्लीट में उसकी इन्वेंटरी पर वो पुराने होते गए और वो लाइफ एक्सटेंशन भी वो लेते रहे, मगर अब वो वक्त आ गया जहां उसके जो पुराने जहाज थे उसको फ्लाइंग कॉफिन्स का नाम दिया गया, यानी वो परवाज करने वाले कफन बन गए उनके पायलट्स के लिए। और वहां पे फिर इसके बारे में बड़ी हुकूमत के खिलाफ वो होते रहे, कार्रवाइयाँ भी होती रहीं कि जी वो जो शख्स जो पायलट हैं उनमें हलाक हो जाते हैं, उनको आपने इतने पुराने तैयारे दिए हुए हैं कि वो तो हलाक हो जाते हैं, एहतजाज होता रहा इस बात पर। मगर इतने साल बीत गए, भारत इसी कशमकश में रहा कि कौन सा नया तैयारा खरीदें जिससे उसके पुराने जो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए, और वो उसी कशमकश में और उसी तगोदौ में आज का दिन आ गया। अच्छा, 2016 में उन्होंने फाइनली सिलेक्ट किया जी राफेल। जी राफेल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस तैयारे से क्या उनको फायदा होगा? जी राफेल जो है असल में ये भी एक ग्रुप है जहाजों का ना, ये जनरेशन वाइज जहाज चलते हैं। पहले थर्ड जनरेशन जहाज थे, फिर फोर्थ जनरेशन जहाज आ गए। ये फोर्थ जनरेशन है क्या, व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें? फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ये है क्या, जरा एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स के लिए। ये जनरेशन का हिसाब जहाज के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है ये उससे हुआ करता है। जू जू टेक्नोलॉजी, आप इसकी सिंपल मिसाल ले लेना, ये आपके यहाँ कंप्यूटर्स नहीं बदलते, कोई आईफोन बन गया, कोई इस तरह का और बन गया, तो ये जो आगे आगे आप चलते हैं टेक्नोलॉजी लीड करती जाती है और इस तरह फिर जनरेशन आगे चलती हैं। यानी फोर्थ जनरेशन में, जनरेशन तो बहुत पुरानी हो गई, फोर्थ में राफेल शामिल है, हमारा F-16 जनरेशन में और JF-17 शामिल है, F-16 शामिल है, JF-17 शामिल है, ग्रिपन शामिल है, स्वीडन ने बनाया हुआ है, और रशिया के जो फाइटर शामिल है, SU-35
रशियन का जो सुखोई जेंस और नई सू 30 जो उस दिन हमने गिराया वो भी इसी में शामिल है, फोर्थ जनरेशन जहाज है। तो अब बात पूछने वाली ये है कि ये जो मोदी साहब जो तशरीफ लाए टेलीविजन पर और कहने लगे अपनी शर्म को छुपाने के लिए दुनिया के सामने कि अगर रफाल होते तो नतीजा कुछ और होता, अरे भाई नतीजा कुछ और ना होता, हमने आपका फोर्थ जनरेशन जहाज जो टॉप ऑफ द लाइन आपकी इन्वेंट्री पे है उसे गिराया अल्हम्दुलिल्लाह, तो नतीजा सिर्फ जहाजों से नहीं आया करता। तो यह है पाकिस्तान का जिहादी एयरफोर्स का एक्सपर्ट, इसको यह नहीं पता कि हमारा जो MiG-21 था वो हमारा सबसे निचले पायदान का फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो कोई सुखोई 30 के बराबर का नहीं है। अगर अभिनंदन के पास MiG-21 की जगह सू 30 भी होता ना तो कितने F-16 गिराए होते। आगे देखिए इस जिहादी को क्या बोलता है। नतीजे के पीछे जो चीजें होती हैं वो इससे बढ़कर हैं, उसके अंदर आपकी आपके पास आपकी क्वालिटी क्या है, ये इट इज द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। तो वो हमारी तरबियत क्या है, हमारे जज्बे क्या हैं, आज तक हमने क्वालिटी को देखा है, हमने क्वांटिटी को नहीं देखा। भारत तो हमेशा हमसे क्वांटिटी में ऊपर रहा, 65 की जंग में उसका यही हिसाब था, हमसे कितना गुना वो बड़ा था, आज भी वही हाल है। तो इसलिए हम क्वांटिटी का मुकाबला क्वालिटी से किया करते हैं, ये बात समझने वाली है। अच्छा कभी समझ नहीं आएगी। ठीक है आपने बात की, अब पाकिस्तान को क्या इस पे करना चाहिए? पाकिस्तान अब J-10 की भी बात हो रही थी, हम भी मजीद किसी जहाज के लिए जाना चाहिए या अपने इसी इन्वेंट्री पे एनएसआर करना चाहिए? जी मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करूं, जब हमने JF-17 बनाया था तो हमने उस वक्त इतना हमें एतमाद हासिल हुआ क्योंकि पाकिस्तान में जहाज की डिजाइनिंग डेवलपमेंट कभी भी नहीं थी। ये कामरा ये तो हमारी एक ओवरऑल फैक्ट्री थी, जब JF-17 के दौर से हम गुजरे तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग का वहां पे हमने उसकी बुनियाद रख दी और उससे इतना इत्माद हमने हासिल किया। ये मैं बात कर रहा हूं 2004-2005 की, तो आज तकरीबन 15 साल में हमने इतना इत्माद हासिल कर लिया और उस वक्त भी हमारी विजन यही थी, उस वक्त की विजन में हमने लिखा हुआ है कि ये फोर्थ जनरेशन जहाज है, अब दुनिया चलेगी फिफ्थ जनरेशन की तरफ। तो जब दुनिया फिफ्थ जनरेशन की तरफ चलेगी पाकिस्तान खुद से फिफ्थ जनरेशन जहाज इंशाल्लाह बनाएगा, उसमें हम किसी की मदद हासिल नहीं करेंगे। पहले तो हमारे साथी थे चीन वाले, चीन के साथ। तो अब हमने उसकी मदद हासिल नहीं करनी और फिफ्थ जनरेशन जहाज के लिए हमने अपना सारा काम जो है वो शुरू कर रखा है और इंशाल्लाह आप सुनेंगे कि फिफ्थ जनरेशन जो इस वक्त 3 मुल्कों ने बनाया है और उनमें से सिर्फ एक मुल्क है जहां वो जहाज ऑपरेशनल हुआ है और वो है अमरीका JSF-35 के नाम से। देखा आपने, पाकिस्तान के इस जिहादी एक्सपर्ट को यह भी नहीं पता कि अमेरिका के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। उसका नाम है F-35, जिसे ये JF-35 बोल रहा है। एक्चुअली इन्हें चाइनीज एयरक्राफ्ट चलाने की आदत जो हो गई है, जिसका नाम है JF-17, जो इनका सबसे एडवांस फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको ये तक नहीं पता कि अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, वो यहाँ पर बैठकर डिफेंस एक्सपर्ट की तरह बोल रहा है। यही तो जिहादी मानसिकता है, जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, वो बढ़ते भारत की ताकत को देखकर बस जलना जानते हैं। और रूस ने जो बनाया है, इसी तरह चीन ने जहाज जो बनाया है वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए, यानी इस दौर का अभी आगाज है और पाकिस्तान इस दौर में दाखिल हो चुका है। हमने इंशाल्लाह ये खुद बनाना है। वो जो आपका सवाल है कि आइंदा में क्या करना चाहिए, हमारा जवाब है फिफ्थ जनरेशन जहाज जो कि इस जनरेशन से अब आगे होगा। तो अभी तक टॉप ऑफ द लाइन फोर्थ जनरेशन जहाज हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्लाइंग कॉफिन्स का मसला नहीं है। हमारे जो जहाज पुराने हुए, हमारी विजन भी यही थी कि हम पुराने जहाजों को अपने ही JF-17 से रिप्लेस करते जाएंगे और हम 100 से ज्यादा जहाज रिप्लेस कर चुके और हिंदुस्तान में सैकड़ों जहाज हैं जो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं वो उनको रिप्लेस नहीं कर पाए और अभी पहला जो है वो रफाल वहां पहुंचा है। ये साल हा साल लगेंगे उनके मजीद रफाल लाने में और वो सैकड़ों जहाज कैसे रिप्लेस करेंगे, ये एक बहुत महंगा काम है। हमारे तो चूंकि अब हाथ में आ गया और इसमें ऑलरेडी हम Block 1, Block 2 कर चुके हैं, अब Block 3 हम पैदा करने जा रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत से घबराया पाकिस्तान अपनी मीडिया में ही भारत पर गोले दागने में लगा हुआ है। उसके पास ना वो ताकत है और ना वो कुव्वत है जो भारत के खिलाफ वो कोई एक्शन ले सके।
बस वो दूर से बैठकर गीदर भपकियां दे सकता है। भारत दिनों दिन अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCDZ को। और हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में दिल खोल के कमेंट करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।